छोटा एक दिया है लेकिन एडजस्टमेंट रिलेटेड कुछ है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। 11 एडजस्टमेंट्स है, ओके 11 एडजस्टमेंट्स। मैं एक में चेंज करूंगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। डन। चलिए सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट एक एक तरीके से करेंगे। देखिए एक यूनिक चीज दिया है, आपका ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 2018। बट स्टॉक टेकन ओवर हुआ है कितना? 7 अप्रैल 2018। कैसे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा 31/3/2018 का? सर प्लस माइनस करके। वेरी गुड, मतलब सर सर प्लस माइनस करके हम लोग कर सकते हैं। यस सर। ओके, मतलब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया है आप लोगों को, याद करो बेटा। यस सर। ये तो फिर स्टॉक इनफ्लो आउटफ्लो से। एकदम वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31/03/2018। मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। रुपीज 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कितना दिन का? 1/4/2017 to 7th April 2018। ओपनिंग स्टॉक मुझे परचेस नहीं, लेकिन ये 7 दिन में 2 परचेस कितना है? कितना परचेस कितना है? 70,000। 7 दिन में परचेस है 70,000। बाय सेल्स कितना है 7 दिन में? 1,20,000। 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000 शायद सर, एक बार देख लीजिए यार। देख क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। जीपी परसेंटेज 25%। आप सेल से भी माइनस कर सकते हो और 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25% on 1,20,000 कितना बेटा? 30,000। मुझे बताइए आपका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? वही बैलेंसिंग फिगर होगा 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000 हो जाएगा। 60,000 गलत, 80,000 होगा। यस सर, 80,000 दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यस सर। लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक 31,320,18 इक्वल टू रुपीज 80,000। मतलब यही लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस 7 दिनों का ओपनिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। डन सर, जीपी बोला सर, जीपी परसेंटेज गिवन, नहीं तो कैसे निकालोगे, दो मिसिंग फिगर थोड़ी हो सकता है एक अकाउंट से। ओके सर, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर प्लान परचेस फॉर रुपीज 50,000 डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। फाइन, प्लान परचेस हुआ तो एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा, ठीक है, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड डेबिटेड 500 टू द सैलरी अकाउंट। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। मतलब ये क्या है, सिंगल इफेक्ट ना कंसिक्वेंशियल इफेक्ट? सिंगल इफेक्ट तो होगा, इसका कंसिक्वेंशियल इफेक्ट भी आएगा डिप्रिसिएशन चार्जिंग में। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस का गलती क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। सर ये वर्किंग करना पड़ेगा सर, फिर से सेम सवाल घुमा फिरा के करता है। मैंने आप लोगों को बताया है समझाने के लिए, अगर आपको लगता है ये करने से आपको इजी लगता है आप करेंगे, अगर आपको लगता है नहीं सर मैं डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री दे सकता हूं प्लांट अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो आपको रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री लिखने का जरूरत है, एक्चुअल में नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपको, लेकिन मुझे तो लॉजिकली समझाना पड़ेगा क्यों प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रेक्टिफाइड हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी टू सैलरी क्यों हुआ है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता हूं। प्लांट अकाउंट डेबिट प्लांट अकाउंट डेबिट ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप अगर समझ चुके हैं तो नो प्रॉब्लम। प्लांट कितना 50,000, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन 5,000, प्लांट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000, रॉन्ग एंट्री क्या किया है, सैलरीज डेबिट कितना 5,000 टू कैश किया है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट। आपको थोड़ी इतना छोटा छोटा, आप तो वर्किंग्स कर रहे हैं, छोटा छोटा करके लिखेंगे, कर रहा है तो मुझे एकदम प्रॉपर क्लियरली करना पड़ता है। डिस्टर्ब करता है क्लास। 5,000 रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, जो बंदा को आता ही है सर मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री में जानता ही हूं प्लांट मेरा डेबिट होगा, प्लांट टू सैलरी। आप लोग एक चीज गौर नहीं कर रहे हैं क्या सर, आपका सिर्फ फाइनल अकाउंट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन एंट्री भी आप रिविजन कर रहे हैं। तो क्लियर, प्लान टू सैलरी, कोई अगर डायरेक्टली प्लान टू सैलरीज लिख देता है ठीक है, कोई अगर कोई अकाउंट एंट्री करेगा ही नहीं, प्लान के साथ ऐड करेगा, सैलरी के साथ लेस करेगा, उसके लिए भी ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं एंट्री पास करके करो, बिकॉज एग्जाम के टाइम में टेंशन होगा, एक करोगे दूसरा नहीं करोगे, लेकिन ये रहेगा तो बार बार आप खोल के देख सकोगे, हाँ इसमें ये है उसमें वो है। नंबर 3, लीज होल्ड डिप्रिसिएशन अभी नहीं होगा, डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन लास्ट में होगा,
द लीजहोल्ड लैंड वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर. Leasehold land purchased during the year, okay. On the date of purchase, the unexpired period of lease was 5 years. मतलब lease जो लिया है 5 साल के लिए लिया है, मतलब total पैसा को 5 साल में amortize करना पड़ेगा 4000 4000 4000. तो ये भी amortization का file, depreciation on leasehold land वो बाद में करूँगा, because अभी possible नहीं है. डिप्रिसिएशन जब करूंगा सब एक साथ. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 80,000, पेमेंट 2250 मेड अगेंस्ट स्टेशनरी परचेज, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी 200 कंज्यूम बाय द पर्सनल यूज. ये क्या है, दिमाग ठंडा करके सोचो. नॉर्मली बिजनेस में स्टेशनरी का भी इस्तेमाल होता है, स्टेशनरी भी यूज होता है. तो स्टेशनरी मतलब आपका पेपर, पेंसिल, पैड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब का भी स्टॉक मेंटेन होता है. तो मुझे स्टेशनरी कंजम्पशन मुझे डेबिट करना है, लेकिन मैं करूंगा कैसे. मेरा ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है, परचेज जो हुआ था वो स्टेशनरी ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट किया है, तो उसका एक रेक्टिफिकेशन लगेगा. स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बोला है, कैसे कंजम्पशन निकालेंगे वो पहले देखेंगे. उससे पहले एक रेक्टिफिकेशन एंट्री जरूरी है. सेम चीज स्टेशनरी डेबिट में क्या ब्रेक करके कर सकता हूं. स्टेशनरी डेबिट स्टेशनरी डेबिट 2250 स्टेशनरी डेबिट 2250 टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2250. आप लोग चाहते हैं मैं करेक्ट एंट्री ये सब लिखूं. ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट 2250 टू कैश 2250 एंट्री दिया है. और करेक्ट एंट्री नॉट ट्रेड एक्सपेंसेस, ये था रॉन्ग एंट्री. करेक्ट एंट्री है स्टेशनरी डेबिट होना चाहिए था. आर इट डेबिट 2250 टू कैश, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट 2250 टू ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस आप लोग पहली बार कर रहे तो आपके लिए हाथ में लिख के करना ठीक रहेगा, लेकिन जिसका हाथ सेट हो जाएगा उसका डायरेक्टली और रेक्टिफाइड एंट्री मार ही सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए सर, और 200 जो अपने लिए यूज कर लिया. दोनों मैंने तो सिर्फ परचेस का गलती किया है उसका एंट्री दिया है, बाकी का तो थोड़ी मैंने अभी तक कुछ दिया है, वो करूंगा थोड़ी. ओके सर, क्या है सर, ये फोन नंबर है ना, चारी चल रहा है. स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का नील कुछ नहीं है,
परचेस कितना है? टू परचेस तो नहीं, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस गलती से लिख दिया था, कितना परचेस हुआ है? परचेस ऑफ स्टेशनरी 2250, 2250। बाय ड्रॉइंग्स, उसमें विथड्रॉ किया था कुछ, कितना ड्रॉइंग्स? देखो तो सर, स्टेशनरी है 80, परचेस हो गया क्लोजिंग स्टॉक 20, ड्रॉइंग्स 200, ड्रॉइंग्स 200, क्लोजिंग स्टॉक 80। मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, आपने परचेस किया था, परचेस किया था 2250, क्लोजिंग स्टॉक 80, ड्रॉइंग्स हो गया 200, तो कंज्यूम कितना हुआ? बाय कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी 1970, कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी 1970, 1970। बैलेंसिंग फिगर 2250, 2250। क्लियर स्टेशनरी का? कितना स्टेशनरी बिजनेस में कंज्यूम हुआ था? कितना स्टेशनरी बिजनेस में कंज्यूम हुआ था, निकल गया 1970। तो ये नंबर थ्री का ही था, तीन का एक रेक्टिफिकेशन था, स्टेशनरी परचेस उसने ट्रेड एक्सपेंसेस में दिया। 5M দিলে তো লেভেল হয়ে যাবে ইনস্টা পুরো তো দেখে বলেছিল 5 হবে না কে বললো 5M তো পুরো আমি কেন বলবো ওরে 6M পুরো মরা আছে 5M লেগে লেভেল ওরা বললো হবে না আমি তো না বলি না কোনো কিছু ওরা বললো হবে না বেড়ে যাবে আর টাকিং খাওয়া যায় কিদারে 6M মরা আছে 5M তো ভালো হবে नेक्स्ट पेटी कैश कंट्रोल अंडर इंप्रेस सिस्टम ऑफ रुपीज 100। पेटी कैश मतलब खर्चा खर्चा करने के लिए पेटी कैश को डेबिट करके रखता है, तो पेटी कैश हैज बीन कंट्रोल अंडर इंप्रेस सिस्टम ऑफ रुपीज 100, मतलब 100 का बैलेंस ऑलवेज मेंटेन करेगा, तो जब भी खर्चा करेगा जितना खर्चा होगा वो पैसा भेज देगा। तो बोल रहा है whenever checks are issued to petty cashier, petty cash debited. However, no entries has been made on the credit side of the petty cash account. तो चलिए petty cash account open करते हैं यहाँ पर भी। तो petty cash मतलब क्या? खुचरा खर्चा करने के लिए 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया वो main cashier कभी नहीं करता है, उसके लिए possible okay. नहीं है, वो पेटी कैशियर को दे देता है। आप लोगों ने क्लास 11 12 में पेटी कैश बुक किया था, याद करो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, के एकदम छोटा छोटा खर्चा। सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी यही होता है ना सर? बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। ओके सर, नेसेसरी। देखिए बेटा, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हो कैसे मानता है इसको पेटी कैश। अच्छा, टू पेटी कैश को कितना डेबिट करके रखा है? पेटी कैश बैलेंस 1350, टू बैलेंस 1350, कोई क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं हुआ है। बाय
इम्प्रेस सिस्टम मतलब ऑलवेज वो बैलेंस मेंटेन करेगा, पेटी कैश में पूरा ही नील नहीं करता है, 100 इतना बैलेंस वो मेंटेन करेगा, 1215 तो बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना हुआ, 1200 बैलेंस 100 इम्प्रेस अमाउंट मेंटेन करता है तो अमाउंट कितना हुआ, 1250 मतलब आपका जो एंट्री होगा मतलब ये आपका खर्चा हुआ 1350। कोई अगर एंट्री सर मुझे एंट्री देना है तो इसके लिए एंट्री में एक लाइन में दे सकता हूं पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1250 टू कैश 1250। Done. 1250 मैं यहां से भी ट्रांसफर कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। पेटी के बाद गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस याद है 40,000 टाइम नॉट एक्सपायर्ड डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट याद करो सेल ऑन रिटर्न अप्रूवल का बात बोल रहा है मतलब क्लोजिंग डेट में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है क्लोजिंग सेल ऑन अप्रूवल क्या है क्लोजिंग डेट में एंट्री या एंडिंग में दो एंट्री होता था एक सेल को कैंसिल करने का एंट्री और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का एंट्री याद आ रहा है मैंने ही कराया था सेल और रिटर्न सेल ऑन अप्रूवल बेसिस यस सर क्या है सेल्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल और रिटर्न रिटर्न सस्पेंस अकाउंट सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट कितना 40,000 सेल को कैंसिल करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ सेल ऑफ द करेंट ईयर उसके बाद इसका दो एंट्री होता है दूसरा स्टॉक ऑन सेल ऑन रिटर्न स्टॉक ऑन अप्रूवल स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना 40,000 इंटू जीपी परसेंटेज 25% 75/100 40,000 इंटू 75/100 30,000 क्लियर ये ऑलरेडी वी हैव डन प्रीवियसली आई थिंक वो तीन आपका याद आ गया जहां पर हम लोगों ने किए थे सेल्स को कैंसिल करेंगे सर हमको क्या जर्नल देना है यहां पर भी मेरा सेम ही ओपिनियन होगा इट इज डिपेंड्स अपॉन यू सिंस मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे जर्नल देके ही सिखाना पड़ेगा आप लोगों को अगर पता चल जाता है पर दिमाग में प्रैक्टिस में आ चुका है देन डू इट अकॉर्डिंगली सेल से माइनस कर देंगे डेटर से माइनस कर देंगे एंड स्टॉक बोल के दिखाएंगे लेकिन मेरा ओपिनियन है आप हाथ में जब प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करेंगे सो दैट आपके मन में रट्टाफिकेशन नहीं है लॉजिकली आप सब आइटम को आपके लिए क्लियर होना चाहिए सर ये कारण के लिए ये होता है ओके सेल ऑन अप्रूवल था एक नेक्स्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 16,000 बट नॉट सोल्ड कंसाइनमेंट में गुड सेंट किया था लेकिन बेचा भी नहीं है उसका एंट्री भी नहीं हुआ है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज
एंट्री नहीं हुआ है, तो सिक्स इसका भी दो एंट्री होगा क्या? যেটা সুবিধা হয় এগারো বা সাড়ে এগারো, এগারোই দিন বড়ই হয়ে যাবে। क्या रखूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच, कितना गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा है? 16,000 टू परचेस से मैंने कैंसिल कर दिया, मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख सकता था, कोई मतलब नहीं है। परचेस अकाउंट मतलब परचेस जो किया था उसमें कंसाइनमेंट के लिए चला गया था 16,000 और वो गुड्स बेचा गया है नो, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बिकॉज जितना गुड्स भेजा था पूरा ही आपका क्लोजिंग स्टॉक परा हुआ है। आप चाहे तो इसका अकाउंट भी बना सकते हैं, देन जर्नल नहीं करना है, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। परचेस की जगह ट्रेडिंग लिख सकते हैं ना सर, कंसाइनमेंट टू परचेस? यस यस यस, आराम से, थैंक यू बोलने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड, हम बैक एक्चुअली मैं ट्रेडिंग से ही लेस करूंगा। यस सर, कंसाइनमेंट अकाउंट दो करने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने कराया है। टू परचेज जिसको आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं, टू परचेज अकाउंट 16,000, कोई सेल हुआ है, कोई एक्सपेंसेस ना, बाई बैंक आई बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कितना 16,000, बस स्टोरी खत्म। यहाँ पर कंसाइनमेंट का सेल कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी हो सकता है जहां पर कंसाइनमेंट का कुछ सेल भी बोला है, यार में बहुत बार आया है, कराऊंगा। बैंक बैलेंस इंक्लूड एनकैशमेंट ऑफ पर्सनल डिपॉजिट, खुद का डिपॉजिट था वो बैंक में जमा हो गया है, किसका बैंक में? बिजनेस का बैंक में, बिजनेस तो है आपका ही, मतलब यहां पर भी सर कुछ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। यस, कितना नंबर होगा सर? उसका मतलब पर्सनल का तो अलग पैसा था, बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है, तो फिर एकदम एकदम राइट, खुद का पैसा बिजनेस में आ चुका है, तो क्या बोलो करेक्ट एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट 20,000 टू कैपिटल 20,000, यस और नो? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ही तो हो गया। यस सर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसने क्या किया, उसने बैंक को तो डेबिट कर दिया, बाकी कोई एंट्री पास ही नहीं किया, तो टू सस्पेंस कितना 20,000, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री सस्पेंस डेबिट
टू बैंक 20,000। देखिए सस्पेंस सस्पेंस कट आई बैंक बैंक कट जाता है तो क्या रहेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तो सस्पेंस आ गया सर। यस आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस देखिए आपको मजा लगेगा। देखिए ट्रायल बैलेंस में एक सस्पेंस बोल के 20,000 है और वो भी क्रेडिट में है और आपने कहां पर एंट्री दिया है सस्पेंस डेबिट में मतलब क्रेडिट 20,000 डेबिट 20,000 तो टैली हो गया। यस सर। उसके बाद नो रेंट हैज बीन पेड टू द बिजनेस प्रमाइसेस बिजनेस जहां पर काम हो रहा है उसका रेंट नहीं दिया है। No rent has been paid for business premises. उसका रेंट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? वो डिस्प्यूट में था भाई, डिस्प्यूट में था इसलिए पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन है तो आपका एक्सपेंसेस, तो आपने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो आपको देना पड़ेगा। अमाउंट नहीं दिया है ₹2,000। तो चलिए आपको लिखना पड़ेगा क्या रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। वेरी गुड, एग्जैक्ट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कौन बोला है? सर अर्शद अहमद। बाबा रेंट अकाउंट डेबिट 2000 आपको तो नहीं दिया ठीक है, लेकिन आपको तो एक्सपेंसेस बोल के दिखाना पड़ेगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट outstanding expenses account कितना? सर outstanding expenses क्यों होगा? गलत हो गया। Pending rent. तो उधर ना चा। आई because the चा आठ ड्यूरिंग द ईयर फिक्स डिपोजिट मैच्योर ₹12,300। ये एटलीस्ट 6 बार आ चुका है फाइनल अकाउंट में और 8 बार आ चुका है रेक्टिफिकेशन एंट्री में। इट्स वेरी फेमस एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स डिपोजिट मैच्योर 12,300 एंड क्रेडिटेड टू फिक्स डिपोजिट अकाउंट ओरिजिनल डिपोजिट टू 10,000। चलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं उसके बाद खेला करेंगे। बोलिए आपको पैसा कितना मिला? बैंक डेबिट 12,300 टू फिक्स डिपॉजिट आपका कितना था? फिक्स डिपॉजिट था सर 10,000। ये भगवान डिपॉजिट था 10,000, पैसा मिल रहा है 12,300। क्यों? इंटरेस्ट होगा सर। इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट इनकम। इनकम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसने क्या किया है? 10,000 नहीं होगा सर, उसने किया क्या है? पूरा फिक्स डिपॉजिट में 12,300 क्रेडिट कर दिया। ओके, पूरा फिक्स डिपॉजिट में 12,300 क्रेडिट कर दिया। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, डेबिट 12,300 टू बैंक 12,300। व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री? बैंक बैंक तो कट जाएगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2,300 अकाउंट डेबिट 2,300 टू इंटरेस्ट इनकम 2,300। क्लियर? नाइन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट
कितना प्लांट है सर? प्लांट है 3 लाख, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10%. वेरी इंटरेस्टिंग. Amount depreciation. अच्छा प्लांट कितना था? 3 लाख. Existing कितना? 3 लाख तो था, लेकिन उसमें तक न्यू प्लांट इंक्लूड हो गया था 50,000. तो एग्जिस्टिंग प्लांट कितना था? 2,50,000. तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा फुल ईयर इनटू 10%. New purchased add purchase kitna 50,000, installation 5,000. Total kitna hua? 55,000 into 10% into 6/12. सर आपको कैसे पता चला 6/12? ड्यूरिंग द ईयर बोला है, कोई डेट मेंशन नहीं किया है, तो मैं मान के चलूंगा 6 मंथ तो 6/12. सर 50,000 वो खरीदा है तो मतलब उस समय ऑपरेट नहीं किया था सर? ड्यूरिंग द ईयर परचेस बोला था. कब खरीदा था? ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेट परचेस किया था. तो ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया था मतलब एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर मतलब 6 मंथ यूज हुआ है. सर होल ईयर नहीं मान सकते सर? ना ना ना, ड्यूरिंग मतलब एकदम होल नहीं मान सकते. एट द बिगिनिंग बोलता है तो मान सकते हैं, अगर ड्यूरिंग व्हाट नहीं बोल सकता है देन अज्यूम कर सकते हैं एट द बिगिनिंग. लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो ड्यूरिंग द पीरियड मतलब और मानने का कोई जगह ही नहीं है आपका. ओके सर, गॉट इट? यस सर. अगर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता तो एकदम झमेला ही खत्म हो जाता. 3 लाख के ऊपर 5,000 ऐड करते, 3 लाख 5,000 के ऊपर 10%. लेकिन वो तो कर नहीं सकते यहाँ पर. 2,750. कितना? 2,750. कैलकुलेशन टोटल एसेट का टोटल कितना हो गया? 3,05,000. डेप्रिसिएशन भी डन और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, फ्रीहोल्ड लैंड. लैंड देखिए, लैंड के ऊपर भी डेप्रिसिएशन हो सकता है. नॉर्मली अगर लीज में लैंड है तो 100% होगा. 20,000 कितना साल के लिए? 5 years के लिए. तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 years तो हर साल में 4,000 करके डन. तो देखिए जितना एडजस्टमेंट बोला है सब हम लोगों ने कवर कर दिया. क्लोजिंग स्टॉक ये था, इंस्टॉलेशन लीज मूवमेंट का डिप्रिसिएशन.
सॉरी 11 नंबर सॉरी 11 नंबर नहीं है 11 नंबर आप कर नहीं सकेंगे जब तक फाइनल अकाउंट आपका प्रिपेयर नहीं होता है। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है, मतलब कंसाइनमेंट में भी क्या कराया था ना, टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड करके, तो ये वाला वो चीज है आप नहीं कर सकेंगे, कंप्लीट करके करना पड़ेगा। यस सर, बीडीसीडी बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो तो कितना सुंदर होता है। चलिए, कल का एक प्रॉब्लम अगर ओपन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत काम में आएगा, मुझे खाट मेहनत कम करना पड़ेगा। चलिए, टू ओपनिंग स्टॉक, बुक्स ऑफ अमिताभ, ओपनिंग स्टॉक कितना है 80,000, कहां मिला 50,000, तुम गलत वो क्लोजिंग स्टॉक को बोल रहे हो। अच्छा अच्छा सर, क्लोजिंग स्टॉक, बी केयरफुल। टू परचेज, टू परचेजेस अकाउंट कितना, बिल्ली कहां पर है, टू परचेजेस कितना, टू परचेज 5,02,000, तो देखो तो परचेज से कोई एडजस्टमेंट, एक है और ट्रेडिंग से करूंगा 5,02,000 ना बेटा। यस सर। ये है, यहां पर नहीं करूंगा, बाई साइड में दूंगा 5,02,000। आप चाहे तो यहां से भी कंसाइनमेंट का 16,000 लेस कर सकते हैं। बाई सेल्स, बाई goods sent on consignment 16,000, 80,000 mera closing stock, buy closing stock, buy baad mein likhta hu, sales kitna, सेल्स का अमाउंट 6,40,000। यहां पर देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग, सेल और रिटर्न का एक इंफॉर्मेशन है, 40,000, 6,40,000, 6,40,000 लेस 40,000, गलती से सेल्स यहां पर डाल दिया था वो सेल्स हुआ ही नहीं, तो लेस सेल और रिटर्न सस्पेंस 40,000 कितना आएगा बेटा, 6,00,000, 6,00,000 तो बाय स्टॉक ऑन अप्रूवल, स्टॉक ऑन अप्रूवल, तो स्टॉक ऑन अप्रूवल कितना है 30,000, कहां है सर, आ जाइए देखिए 30,000 स्टॉक ऑन अप्रूवल, स्टॉक ऑन सेलर रिटर्न 30,000 टू ट्रेडिंग, कंसाइनमेंट भी हो चुका है। चलिए और कुछ, वेजेस है और नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड
No. Two gross profit. Gross profit. Kitna? 174,000. 174,000. Gross profit. 7,26,000. Sorry? 7,26,000. कौन है, क्यों मेरा बर्बाद करना चाहता है ये लड़की, मुझे रोना आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना? सीडी होगा सर, वहां पर मैं सीडी। हाँ ठीक ही तो है, सीडी एंड बीडी। ठीक है सर। ओके सर, आता क्यों है बैठ के? सॉरी, सारा दिन डराता है। सैलरीज 10,000, सैलरी का एक एडजस्टमेंट है 5,000, इंस्टॉलेशन टू सैलरीज 10,000 लेस 5,000, क्या है 5,000 लेस आउटस्टैंडिंग लेस इंस्टॉलेशन। सर हर डॉक्टर 5,000 सैलरी से इंस्टॉलेशन लेस। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट सैलरी में डेबिट किया गया था। ओके सर। ओके यस सर। टू थोड़ा देखिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। चलिए और क्या क्या आएगा? टू सैलरी के बाद परचेस सैलरी ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 8,000 टू एक्सपेंसेस 8,000 2,250 क्या है याद करो, लेस स्टेशनरी परचेज कितना आएगा बेटा 8,000 माइनस 2,250 क्लियर। तो वहां पर किया था एंट्री सर, कहां किए थे? आ जाइए स्टेशनरी अकाउंट में, स्टेशनरी में देखिए टू ट्रेड एक्सपेंस बोल के रिड्यूस किया 2,250 तो स्टेशनरी कंजम्पशन कितना है 1,970 टू स्टेशनरी कंज्यूम टू पेटी एक्सपेंसेस टू मिसेलेनियस एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस कितना बेटा 1,250 कहां मिला आपको? आ जाओ पेटी कैश में देखो, पेटी एक्सपेंसेस 1,250 बैलेंसिंग फिगर यस और नो? आपको 100 का बैलेंस मेंटेन करना ही है तो 1,250 टोटल क्रेडिट होना चाहिए एक्सपेंसेस बोल के। मिसेलेनियस एक्सपेंसेस कितना 3,300 2,000 क्या है, कहां से लाया है सर 2,000? टू रेंट टू डेप्रिसिएशन प्लांट लीज लैंड प्लांट के ऊपर कितना 2,750 सर 27,050 रुपीस और लीज नो सर 27,750
कितना होगा 31,750। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 31,750। और कुछ? फिक्स डिपॉजिट का एक इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स 2,300। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। बोलो और कुछ? डेप्रिसिएशन हो गया, प्लांट रेंट, कैपिटल इंट्रोडक्शन, कंसाइनमेंट सेलर रिटर्न, पेटी, ट्रेड एक्सपेंस, सैलरी, सैलरी कंजम्पशन, ट्रेड एक्सपेंसेस डन, क्लोजिंग स्टॉक डन। और कुछ आइटम है? और कुछ आइटम? नो। अच्छा मैं एक एडिशनल पॉइंट डाल देता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5%। सर डाल रहे हैं, मतलब बैलेंस करेगा ना, वहां पर देखा जाएगा। तो उसका जर्नल क्या होगा? 10। प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अकाउंट डेबिट कितना? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर से 30,000। डेटर में कोई चेंज? नो। 30,000 के ऊपर डेबिट 1,500। कैसे हुआ सर? 30,000 इंटू 5% टू प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीडी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 1,500। सर ये जर्नल कंपलसरी है, एकदम नहीं, ये सिखा रहा हूं इसलिए दिखाया। 1,500। बहुत जोर से फंसा, बहुत जोर से फंसा मैं, करने के टाइम नहीं देखा था। ये 30 नहीं होगा, ये 60 होगा और कैपिटल होगा 3,10,000। माइंड में टैली कर लेंगे क्या? बाद में बताऊंगा, बताऊंगा अभी नहीं। डेटर्स कितना? 60,000 लेस, लेस क्या है? सेल और रिटर्न सस्पेंस 40,000। याद है वो कहां लिखा? वो तो लेस करना चाहिए, 30 होता तो सर नेगेटिव में हो जाता। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, राइटली पॉइंटेड आउट, उसलिए मैंने चेंज किया। क्लोजिंग डेटर्स, डेटर्स कितना? क्लोजिंग डेटर्स हाउ मच? 20,000। पीबीडी 5%, 5% on 20,000।
1000 ओके तो चलिए आ जाइए टू पीपीटी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट डेट कितना 1000 और कुछ है सर और तो कुछ नहीं आ रहा है ना और कुछ नहीं है तो चलिए एक काम करते हैं टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आई थिंक आप लोगों को कंसाइनमेंट का कुछ फिगर याद आ रहा है यस सर कितना अमाउंट बोलो सर पहले नेट प्रॉफिट 4000 प्लस 2300 176300 माइनस 5000 माइनस 5750 माइनस 1970 माइनस 1250 माइनस 3300 माइनस 2000 माइनस 31750 माइनस 1000 124280 1,24,280 चलिए जी 176,300 बाय brought down 124,280 to manager's commission manager's commission कितना as per my knowledge is concerned भूल गई थी 2% on the net profit so how much 2/102 I think मुझे और नहीं बोलना पड़ेगा क्यों 102 है because this is after charging 2/102 2/102 into 124,280 into 2 divided by 102 2,436.86 वो हटाओ 2,437 net profit to net profit to net profit transfer to capital account kitna 121,843 121,843 total 124,280 ओके यहां तक कोई डाउट नो सर चलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी कैपिटल कितना कैपिटल है खोज खोल के देखो चेंज किया था मैंने फिगर 3,10,000 और क्रेडिटर्स
3 lakh 10 3 lakh 10 plus introduction add introduction आपको याद है पर्सनल बैंक डिपॉजिट यहाँ पर डाल दिया था 20,000 add net profit 121,843 add net profit less क्या drawings of station re drawings of stationery I think 200 बोलो कितना होता है 3 lakh 10 plus 20,000 21,843 minus 200 कितना 451,643 creditors 80,000 जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे वो लोगों के लिए ड्रॉइंग्स 200 है नेट प्रॉफिट इंट्रोडक्शन 20,000 में दिखा देता हूं कहां इंट्रोडक्शन एक करेक्शन था इंट्रोडक्शन यही जो कैपिटल को क्रेडिट किया सस्पेंस को डेबिट किया लायबिलिटी साइड में और क्या क्या है दो आइटम है ये छोड़ के भी क्या बताता हूं हो होरी मेरा गलती हो गया मैंने इग्नोर किया है एक चीज बाय डिविडेंड 7,000 ओह मतलब सर ये फिगर में भी चेंज होगा यस एवरी नेट प्रॉफिट भी तो चेंज होगा ना बिफोर कमीशन हां नेचुरली चेंज किया तो 131,280 कर दिया 7000 इंक्रीज किया 136,280 है हां तो ही तो किया मैंने यस सर ठीक है 131,280 माइनस 2574 कितना 128,706 plus 3,30,000 minus 200 480,58,506 creditors 80,000 outstanding rent 2,574 ये क्या है सर outstanding commission outstanding managers commission okay और तो कुछ नहीं है outstanding rent outstanding manager commission सब दे दिया है leasehold land $20,000 minus $4,000 amortizations.
यस अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन नहीं वो इंटेंजिबल के लिए होता है डेप्रिसिएशन सॉरी सर 16,000 प्लांट Relax. Add installation. 5,000. Three lakh 5,000. Less. Depreciation. I think 27,000 50,000 का आया ना सर हाँ 27,750 सर मैंने 3,00,000 ले लिया मतलब इसके भीतर 50 था वो बैलेंस ही ले लिया है तुम देखो ना मैं तुम करके ही रखे हो देखो 3,05,000 माइनस 27,750 ऑलरेडी यू हैव डन ओके 27,750 माइनस करने के बाद कितना आएगा 277,250 इन्वेस्टमेंट कुछ है फिक्स डिपॉजिट है वो बाद में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट नहीं है ठीक है क्लोजिंग स्टॉक Stock 80,000 or sir, कुछ FD था ना sir FD भी था sir बाद में closing stock उसके बाद stock on approval sale on return में stock था ना 30,000 stock on consignment 16,000 debtors already adjust करके 60,000 40,000 less sale or return suspense मतलब अभी तक सेटल नहीं हुआ है 40,000 20,000 provision for bad debt 1,000 Less PBD for bad debt. $19,000 और एक चीज मिसिंग हो गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट्टी और कुछ फिक्स डिपॉजिट आएगा प्लांट लीज़ स्टॉक हो गया परचेज फिक्स डिपॉजिट 20,700 फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट
20,700 and interest wrongly credited 2,300. How much? 23,000. 23,000. Cash at bank. Sir, less होगा ना sir. Cash क्यों? Already less करके रखे थे, ज़्यादा credit कर दिया था. Cash in hand. Petty cash. देता हूं आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट, इसलिए मैं एंट्री करता हूं. देखो फिक्स डिपॉजिट डेबिट हुआ टू इंटरेस्ट इनकम 2,300. दैट्स व्हाई मैं जर्नल का सपोर्ट लेता हूं. जैसे ही दिमाग में बचपन वाला ट्यूशन वाला केस समझ में आएगा, यहां पर ऐड वहां पर लेस, ऐसे ही प्रॉब्लम होगा. जर्नल देखो कोई सवाल नहीं करेगा. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2,300, इंटरेस्ट इनकम 2,300. Cash at bank 80,000. Cash in hand 1,650. Petty cash 100. और कुछ बाकी है तो देखो. सस्पेंस लेंगे ना सर? सस्पेंस आपका डेबिट क्रेडिट में था, आपने डेबिट किया क्या? सस्पेंस कैंसिल हो चुका है. यस सर, यस. और कुछ? प्लांट लीजहोल्ड स्टॉक परचेज सैलरी ट्रेड बैंक मिसेलेनियस एक्सपेंसेस कैश इन हैंड 80 कैश बैलेंस 100 डेटर्स डन कैपिटल डेटर्स डिविडेंड सस्पेंस डन. देखो नहीं मिलने का बहुत कारण है, तब भी चेक करके देखते हैं. चलो जी, सर लायबिलिटी साइड क्या ऐड करिए? लायबिलिटी साइड कितना? 4,58,506 प्लस 80,000 प्लस 2,000 प्लस 2,574 5,43,080 ना मिलने का कारण बहुत ही होगा. 16,000 प्लस 2,77,250 सर मैच होगी. 8,000 प्लस 30,000 प्लस 16,080 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 80,000 प्लस 1,650 प्लस 100 यस सर मैच हो गया. 543,080 मैच हो गया सर. बाप रे, ठीक बुद्धि लगाया था, सोचा था चेंज कर रहा हूं तो इफेक्ट क्या आएगा. अच्छा कल भी क्लास रहेगा सेम टाइम, हम लोग कल भी क्लास करेंगे इसका. बिकॉज ये तीन प्रॉब्लम कल भी एक प्रॉब्लम कराऊंगा, ये तीन प्रॉब्लम वेरी वाइटल है. तो ये तीन प्रॉब्लम करने से आपका बहुत ही मैटर क्लियर हो जाएगा. इसके बाद यार का चार पांच प्रॉब्लम कराऊंगा, कोई आपके लिए और प्रॉब्लम नहीं रहेगा. डन? यस. कोई सवाल? सर डिविडेंड सर पीएल में क्रेडिट का होता है सर? हाँ किया तो डिविडेंड मिलता है. सर शेयर में जो बॉन्ड में जो पैसा लेकर के जाता है